सरकार की बल्कि कैथल के वाशिंदों की भी उपेक्षा का शिकार है। शहर से बाहर बाबा लदाना की ओर जाने वाली सड़क के एक ओर शहर भर की गंदगी है और दूसरी ओर रजिया की खस्ता हाल कब्र। मकबरा रजिया वाला इतिहास पढ़ाती हूँ और अक्सर मैं अपने बच्चों से कहती थी कि एक दिन हम रजिया सुल्तान के मकबरे पर चलेंगे, लेकिन मुझे खुद यहाँ तक पहुँचने में कम से कम दसियों लोगों से पूछना पड़ा और मुझे आश्चर्य हुआ कि इस कैथल शहर के बाशिंदों को ही नहीं पता है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि इसी कैथल में भारत की पहली मुस्लिम शासिका दफन है। रजिया सुल्तान कोई सामान्य शासिका नहीं थी। मध्यकालीन समाज में जब इतनी ज़्यादा बंदिशें थी औरतों के ऊपर, ऐसे में वह दरबार में आती थी, खुद अपने फैसले लेती थी, मुल्ला मौलवियों और उस दौर के उलेमाओं के औरत विरोधी कट्टरपंथी विचारों से उसने टक्कर लिया और इसी वजह से वो मारी गई। मेरे ख्याल से उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए और हिंदुस्तान की औरत को सम्मानित करने का एक बहुत सुंदर तरीका हो सकता है कि हम उस जगह को सुंदर बनाएं, उस इमारत को सुंदर बनाएं जहाँ